टॉप 20 न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय सिम्बायोसिस सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट। नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूँ आपके साथ भाग्यश्री। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल सोमवार को भी प्रवर्तन निदेशालय के सामने नहीं पेश होंगे, हालांकि वह ईडी के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हो गए हैं। एमआईएम प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने गीतकार और स्क्रिप्ट राइटर जावेद पर तंज कसते हुए कहा कि वह कब से मजहब को मानने लगे हैं, वह तो कहते हैं कि वो एथिस्ट है। जावेद अख्तर ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को लेकर कहा कि यह पूरी दुनिया का सबसे बड़ा उत्सव है। चंडीगढ़ नगर निगम के सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। वोटिंग के लिए सुबह 11:50 तक का वक्त अलॉट किया गया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि देश के युवाओं एक बात नोट कर लो, नरेंद्र मोदी की नियत ही रोजगार देने की नहीं है, नए पद निकालना तो दूर वह केंद्र सरकार के खाली पड़े पदों पर भी कुंडली मार कर बैठे हैं। मध्य प्रदेश कैबिनेट आज अयोध्या के दौरे पर है, 65 सदस्यीय डेलीगेशन अयोध्या पहुंचेगा, सीएम मोहन यादव के नेतृत्व में रामलला का दर्शन करेगा। जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थापना दिवस कार्यक्रम के दौरान आज गिरिडीह में सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करने के अपने फैसले की घोषणा की है। स्मृति ईरानी ने हज सुविधा ऐप लॉन्च किया है, यात्रियों की सुविधा के लिए 10 भाषाओं में गाइडेंस मिलेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अग्रोहा पुरातत्व स्थल के विकास के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और पुरातत्व और संग्रहालय विभाग के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से अगले 4 दिनों में 6 राज्यों का दौरा करेंगे। पीएम मोदी तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बिहार जाएंगे और वहां विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे और करोड़ों की सौगात देंगे। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव किस सीट के लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, इस सवाल पर लगातार सस्पेंस बना हुआ था जो कि अब खत्म होते दिखाई दे रहा है। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव का कन्नौज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना लगभग तय हो गया है। लंबे समय तक चली सियासी उठापटक के बाद पाकिस्तान को शहबाज शरीफ के रूप में 24वां प्रधानमंत्री मिल गया है। पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के विपक्षी उम्मीदवार उमर अयूब खान को हरा शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। ग्लोबल मार्केट से मिले अच्छे संकेतों और घरेलू अच्छे आंकड़ों के दम पर भारतीय शेयर बाजार में उछाल जारी है। नए हफ्ते के पहले कारोबारी दिन की शुरुआत हल्की तेजी के साथ ही हुई है। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी से पहले हुए प्री वेडिंग समारोह में देश और दुनिया के तमाम दिग्गजों का मेला लगा। पूरी दुनिया से आए तमाम दिग्गजों के चलते जामनगर एयरपोर्ट की व्यवस्था चरम पर पहुंच गई और रिकॉर्ड एयर ट्रैफिक की स्थिति पैदा हो गई। बीजेपी ने नई दिल्ली सीट से मौजूदा सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी का टिकट काटकर बासुरी स्वराज को टिकट दिया है। इस सीट से कभी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और एल के आडवाणी सांसद रहे थे। बासुरी पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी है। महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रविवार को मेट्रो लाइन 12 की नींव रखी जो कल्याण को नवी मुंबई में तलोजा से जोड़ेगी। उद्धव ठाकरे के साथ बैठक करने मुंबई पहुंचे नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताने वाले जैदून नेता कपिल पाटिल ने पार्टी छोड़ दी है। वह नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ जाने से नाखुश थे। कपिल पाटिल ने रविवार को उद्धव ठाकरे की उपस्थिति में नई पार्टी बनाने का ऐलान किया। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ एक शख्स ने अपनी पत्नी व दो बेटियों को कुल्हाड़ी से काटकर उनकी दर्दनाक हत्या कर दी। अनंत और राधिका के प्री वेडिंग फंक्शन में खूब रौनक रही। इस दौरान नीता अंबानी ने विश्व भरी स्तुति पर अपनी परफॉर्मेंस से हर किसी को मंत्रमुग्ध कर दिया। अनंत और राधिका के प्री वेडिंग फंक्शन से एक अनसीन फोटो सामने आई है जो खूब वायरल हो रही है। इस फोटो में आदित्य रॉय कपूर और अनन्या पांडे के साथ रणबीर कपूर नजर आ रहे हैं। यामी गौतम सारर आर्टिकल 370 सिनेमा घरों में धमाल मचा रही है। ये फिल्म साल 2024 की स्लीपर हिट साबित हुई है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत की थी और ओपनिंग वीकेंड में ही इसने अपना बजट भी वसूल कर लिया था। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए एनबीसी न्यूज़। नमस्कार।